सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं जाने वाला हूँ दार्जिलिंग, वो भी टॉय ट्रेन से। तो देखते कैसा एक्सपीरियंस होता है। अभी मैं हूँ सिलीगुड़ी स्टेशन में। ये जो ट्रेन है ना, ये एनजीपी से छोड़ता है और सिलीगुड़ी में फर्स्ट स्टॉपेज है। तो मैं सिलीगुड़ी स्टॉपेज में आ गया और उसका टाइम है 10:30 बजे, मतलब 10:25 o'clock, बट 10:25 o'clock हो गया, अभी तक नहीं आया। और ये जो है ये नैरो गेज ट्रेन होता है, टॉय ट्रेन। तो इसका मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म में आने का चांसेस नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म में आएगा। और वो वाला बड़ा वाला ट्रेन के लिए है वो वाला स्टेशन, और लॉन्ग गेज होता है ना, मतलब जो नॉर्मली होता है। तो फिर गाइज देखते हैं कब आता है, ट्रेन को दिखाएंगे और जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग भी कैसे ट्रेन बुक कर सकते हैं और कोई भी डिटेल सब कुछ शेयर करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे मेल के थ्रू या फिर कमेंट में। स्टे ट्यून गाइस। जो जो स्टेशन है ना इस टॉय ट्रेन का, वो लिखा हुआ है और उस जमाने का फोटो और कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए सुकना, ये बीटी समल का सुकना का स्टेशन है। लोग ये दार्जिलिंग का स्टेशन था, इतना बड़ा था और हेरिटेज टाइप का है ना बीटी समल का। ये आ गया हमारा ट्रेन गाइस। ट्रेन जो है बहुत छोटा छोटा टाइप का लग रहा है और हैवी दो कमरा है। देखते हैं अंदर कैसे होते हैं गाइस। टॉय ट्रेन अंदर से देखने में कुछ इसी तरीके का है। ये नॉन एसी कोच है, सामने वाला कोच एसी कोच है। हम लोगों ने नॉन एसी कोच इसलिए लिया क्योंकि इसका खिड़की जो है खोला जा सकता है और बाहर हम झांक के देख भी सकते हैं और शूट भी कर सकते हैं इसीलिए। तो गाइस हम लोगों का जर्नी जो है वो शुरू हो चुका है। हम लोग अभी ट्रेन में हैं और हम लोग का जो ट्रेन है ये टॉय ट्रेन है। ये लाजवाब है यार व्यू, कभी रास्ते से होते हुए कभी जंगल से होते हुए इधर उधर बहुत ज़्यादा टर्निंग लेके, और बहुत ही एक मतलब जॉयफुल टाइप का और बहुत मतलब एक अलग ही एक फीलिंग है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सबको ये ट्राई करना चाहिए और इसका जो मतलब फीलिंग्स है वो आपको आके ही पता चलेगा। और इसका मतलब एक अलग ही फीलिंग्स है यार, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हेरिटेज चीज़ों में से आता है ये दार्जिलिंग का या फिर हिमालयन टॉय ट्रेन। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप लोग अगर दार्जिलिंग आ रहे हैं तो इसको ज़रूर से ट्राई करिए। तो गाइस अभी मेन बात में आते हैं कि अभी आप लोग ये ट्रेन को बुक कैसे कर सकते हैं, इसका फिर या फिर क्या प्रोसीड्योर है ये ट्रेन आपको आने के लिए। गाइस ये ट्रेन शुरू होता है एनजीपी से, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से, और ये सिलीगुड़ी में भी स्टॉपेज देता है सिलीगुड़ी जंक्शन, और ये 4-5 और स्टॉपेज देता है रास्ते में, और लास्ट स्टॉपेज होता है इसका दार्जिलिंग। सिलीगुड़ी में ये टॉय ट्रेन छोड़ने का जो टाइम है वो है 10:25 o'clock, मतलब 10:25 पर। और ये दार्जिलिंग पहुंचता है 5:30 o'clock, मतलब 5:30 पर। गाइस इस ट्रेन का स्टॉपेज में बीच में घूम और कर्सियंग भी आता है, जो कि घूम है ये स्टेशन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट स्टॉपेज में से आता है। ये देखिए पास वाला जो गाड़ी है इसमें से हाई कर रहे हैं लोग, हाय। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं ये। गाइस आज तक मैं जितना बार भी घूम स्टेशन गया हूँ या फिर घूम स्टेशन में पास किया हूँ, उतना बार ही देखा होगा कि घूम स्टेशन यार हर वक्त अंधेरा छाया रहता है और बादलों से ढका हुआ रहता है। पता नहीं इस बार कैसा होगा, देखते हैं क्या होता है। और हमारा ट्रेन जो है अभी रास्ता क्रॉस कर रहा है, और ट्रेन का इनसाइड व्यू कुछ इस तरीके का है। सामने देखिए एक टीटी है और एक दाएं ओर दरवाज़ा है, और पीछे भी एक टीटी रहता है और बाएं ओर एक दरवाज़ा रहता है। सामने एक दरवाज़ा और पीछे एक दरवाज़ा, बस दो ही दरवाज़ा रहता है। और गाइस वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो बोलना जरूरी है बहुत ही, इस ट्रेन में गाइस कोई टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं रहता है। तो गाइस प्लीज़ आप पानी वानी कम पी के आइएगा, और अगर यूरिन पास करना ही है तो आपको रेलवे स्टेशन में जब रुकेगा तब जाके मतलब टीटी को बोल के जाना होगा, फिर करना होगा, क्योंकि स्टॉपेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, मतलब 2-4 मिनट का स्टॉपेज होता है। गाइस पहाड़ जो है वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है और चढ़ाई भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। गाइस अभी आप लोगों को मैं एक अनोखा चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पहाड़ के रास्ते में जो होता है जैसे यू टर्न के जैसे टर्न होता है, और ये ट्रेन तो यू टर्न नहीं ले सकता है ना, तो ज़्यादा टर्निंग में ट्रेन क्या करता है ना ऐसे बैक में आता है, और फिर बैक में आके वो ऑरेंज कलर का जो बंदा है वो अभी नीचे जाएगा और फिर क्या करेगा ट्रेन का ट्रैक चेंज कर देगा, फिर ये दूसरा ट्रैक में जाएगा। आप मतलब मैं मेरे बोलने से आप समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए अभी ट्रेन रुक गया और सामने की ओर चलना शुरू कर चुका है, सबको समझ में आ जाएगा बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा था। मैं ये टेक्निक देख के मतलब हैरान था, ये पुराना वाला टेक्निक है ब्रिटिश ज़माने का। देखिए ये वाला ट्रैक से हम लोग आए थे और बैक करके मतलब पीछे से, और देखिए अभी ट्रेन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इतना टर्निंग यू टर्न तो ट्रेन नहीं ले सकता है,
इसलिए ऐसा मेथड अपनाया गया था उस जमाने में। तो गाइस हमारा ट्रेन जो है रास्ता क्रॉस करते करते खाई के एकदम नज़दीक से होके गुजर रहा है और नज़ारा बहुत ही सुंदर है, वेदर भी मस्त है। तो गाइस टिकट बुक करने के लिए आप लोगों को फ़ोनपे या फिर IRCTC का कोई भी वेबसाइट में जाना है और फिर दार्जिलिंग स्टॉपेज मतलब लिख के सर्च करना है सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग या फिर NJP टू दार्जिलिंग, आप लोगों को जो है वो ट्रेन मिल जाएगा। पर एक बात, ये टॉय ट्रेन जो है वो सीज़न में बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल रहता है, आप लोगों को 1-2 महीना पहले से करना होगा तभी जाके मिलेगा। इसका बहुत ही हाई डिमांड रहता है, जितना भी फॉरेन टूरिस्ट आता है, दार्जिलिंग टी फेमस है इसलिए दार्जिलिंग का जगह का नाम भी सबको पता है फॉरेन टूरिस्ट लोगों को, तो वो जब आता है ना तो ये जो टॉय ट्रेन है इसमें ज़रूर वो लोग चढ़ता है। तो मतलब ट्रेन का टिकट मिलना उतना आसान नहीं होता है। फिर मेरा जो ये ट्रेन है इसका टिकट का प्राइस है, मेरा टिकट का प्राइस है 1400 ये नॉन एसी के लिए और एसी के लिए 1500। तो गाइस ये है कार्सियंग सिटी, हम लोग कार्सियंग में आ चुके हैं और अभी कार्सियंग स्टेशन भी आएगा और यहाँ पे का जो एक टावर दिखता है वो कार्सियंग का फेमस टीवी टावर है और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है, वो सामने रहा कार्सियंग टीवी टावर। तो गाइस ये रहा कार्सियंग द फेमस कार्सियंग स्टेशन और इसका 4864 फीट ऊँचाई में ये है और यहाँ पर थोड़ा देर ब्रेक लेंगे और फिर निकल जाएंगे, ब्रेक मतलब 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इंजन चेक होता है बस वही। और इस ट्रेन का जो इंजन है वो डीजल इंजन है और स्ट्रीम इंजन ट्रेन भी चलता है। बट यू फ्रॉम साउथ अफ्रीका? यू स्टेड इन साउथ अफ्रीका और ओके, सो हाउ मेनी डेज टूर? यस सॉरी, हाउ मेनी डेज टूर? आई एम 3 वीक्स, वी वर 10 गाइस इन चेन्नई फॉर द ओलंपिक गेम्स, द चेस ओलंपिक गेम्स। ओह या या या, सो दे फिनिश्ड, देन वी वेंट टू दिल्ली, वेंट टू ताज महल एंड नाउ वी आर डूइंग हैप्पी। यू विजिट ताज महल? या। हाउ इज इट? इट वाज वेरी नाइस, the Agra Fort is beautiful. Yeah. Now we're going up here. Sikkim. That is one of the mysterious thing in our India. That is really good. Beautiful. And then we're going to Jaipur for shopping. Yeah. So now, are you touring? Were you going? Yeah, now? Yeah, we are staying. Where are you going now? We are coming from Kolkata. And then are you going to? Darjeeling. Darjeeling. So Darjeeling as well? Yeah. Yeah, we also. Darjeeling and then tomorrow and then Kolkata to Sikkim. But you look like South American. Not South African. Really. No, that's pretty much confused. From South Africa. Yeah. He's from also. Yeah. I think you guys are 3, right? Yeah, we're 3. Yeah. That's fine. My name is Judy. Okay. And you? Yeah, I'm Samrat. 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 Saurabh. 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 Yeah. Okay. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. गाइस वेदर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस में ही। यहाँ का गाइस गली गली में वाटरफॉल्स बसा हुआ है, जैसे देखिए कि ये एक है, इससे भी और भी बढ़िया बहुत अच्छा अच्छा बहुत ही ज़्यादा वाटरफॉल्स रास्ते में और भी आए। गाइस मैंने टॉय ट्रेन में आने से पहले सोचा था कि टॉय ट्रेन का जो राइड होगा वो बहुत ही बोरिंग सा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, टॉय ट्रेन में 8 घंटा लग जाता है, वहाँ गाड़ी में 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो मेरा जो मानना था वो बिल्कुल ही गलत निकल गया क्योंकि इतना सुंदर व्यू और इतना एन्जॉयमेंट कभी भी गाड़ी में नहीं मिल सकता क्योंकि गाड़ी में बहुत ही जार्किंग और बहुत ही टर्निंग होता है क्योंकि वो शॉर्ट रूट में आता है। और टॉय ट्रेन राइड जो था मेरा सक्सेसफुल हुआ, मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि टॉय ट्रेन में राइड लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है हिमालयन क्वीन जो है दार्जिलिंग, उसका जो खूबसूरती है वो आपको टॉय ट्रेन से ही अच्छे से दिखेगा। तो गाइस इतने देर तक हम लोगों ने पहाड़ का व्यू देख रहे थे, अभी टॉय ट्रेन से हम लोग देखने वाले हैं शहर का व्यू। तो गाइस ये है बतासिया लूप्स, दार्जिलिंग में वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस के अंदर ये आता है और यहाँ से कंचनजंगा माउंटेन रेंज का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मिलता है और बहुत ही वाइड रेंज मिलता है। सो गाइस यहाँ पे बाइनोकुलर भी रेंज में मिलता है, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं ना बाइनोकुलर लेके कंचनजंगा माउंटेन रेंज को नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं। पर गाइस बादलों ने जो है आज हमारा वाट लगा दिया तो कुछ व्यू नहीं मिलेगा कुछ। गाइस टॉय ट्रेन जब गांव के अंदर या फिर सिटी के अंदर आता है तो बहुत ज़्यादा हॉर्न का यूज़ करता है क्योंकि आप जैसे कि देख ही सकते हैं ये दुकानों के बिल्कुल पास होके जा रहा है। अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ,
अभी देखते देखते स्कूल बस ने आके ट्रेन को ठोक दिया गाइस। जैसे कि देख ही सकते हैं ये साइड से ठोका गया है, ट्रेन का इसमें कोई दोष नहीं है, ये स्कूल बस आके ठोका है। थैंकफुली किसी को चोट नहीं आया है और स्कूल बस में जो है कोई स्टूडेंट नहीं था, अभी खाली है। शायद बस का ड्राइवर जो है वो नया है गाइस। अगर आप टॉय ट्रेन से आते हैं ना तो साइड सीन भी आपका हो जाता है, तो आपको खुद से और एफोर्ड करके साइड सीन देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन से ही बहुत सुंदर सा साइड सीन हो जाता है दार्जिलिंग का। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी दार्जिलिंग हम लगभग पहुँचने वाले हैं, इसलिए जो है ये देखिए पेड़ जो है ये भी चेंज हो रहा है। अभी पाइन का जो पेड़ है वो शुरू हो चुका है, अभी कुछ देर में ही हम लोग दार्जिलिंग पहुँच जाएंगे। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब मैं पहुँच चुका हूँ दार्जिलिंग स्टेशन में टॉय ट्रेन से। ये पीछे रहा स्टेशन, ये हम लोगों का ट्रेन ये नहीं उधर का ही है, ये वाला ट्रेन हम लोगों का था। तो ये दार्जिलिंग स्टेशन है और पीछे वाला व्यू तो बहुत ही ज़्यादा असम है, वाह। मतलब कैमरा में उतना नहीं दिखेगा, तो हम लोग बने रहिए, हम अभी आएंगे होटल में, होटल में जाके हम लोगों से बात करते हैं और होटल को भी दिखाते हैं और फिर निकलेंगे शाम को कहीं पर। सो गाइस ये दार्जिलिंग स्टेशन का खाने का जगह है सर, खाने का तो नहीं है। तो गाइस कल टॉय ट्रेन से उतर के यही होटल में आए थे, क्राउन विला होटल, क्राउन विला। ये हमारा होटल का रूम है, देख सकते हैं डबल बेड, मेरा दोस्त यहाँ से अच्छे भी मिलता है, पर अभी तो सीन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बादल छा गया है। यहाँ पे टीवी भी दिया गया है, वाईफाई भी है यहाँ पे, और यहाँ पे अटैच बाथरूम है। ये लिया था ऑनलाइन से बुक किया था, 900 रुपया लिया था, उतना अच्छा नहीं है। मैं अभी आज जाऊँगा एक दूसरे होटल में, होटल टावर पे, वहाँ से दिखाएंगे क्या है कैसा सीन है। यहाँ से भी देख सकते हैं आपको कैसा दिखता है ये सीन है, पर अभी फिलहाल बादल छा गया है तो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट होटल में जाते हैं।